नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर कॉन्साडोल सापोरो वर्सेस योकोहामा एफसी। जापानीज लीग का ये मैच 27 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले सीजन जो ये लीग हुई थी उसमें कॉन्साडोल सापोरो टेबल में 12th पोजिशन पर फिनिश करी थी और योकोहामा 15th पोजिशन पर। दोनों टीम्स 34 गेम्स खेली थी जिसमें सापोरो 10 जीती थी, 9 ड्रॉ करी थी और 15 गेम हारे थे, जबकि योकोहामा 9 गेम ही जीत पाए थे, 6 गेम ड्रॉ करी थी और 19 गेम ही हारे थे। दोनों टीम्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर गोल्स कंसीड करे थे जो कि हैं 58 और 60, बट सापोरो ने 47 गोल स्कोर करे थे वर्सेज योकोहामा जिन्होंने केवल 38 गोल्स स्कोर करे थे। इस गेम में भी सापोरो विल स्टार्ट एज फेवरेट्स और हम भी हमारी टीम उनको फेवर करते हुए बनाएंगे। बात करते हैं कुछ रीसेंट गेम्स की परफॉर्मेंस की, तो सापोरो अपने पिछले 5 जेली की गेम्स जो हुई है उसमें से 2 में जीती है, 2 ड्रॉ करी है और 1 गेम ये हारे हैं जो कि सेरिजो ओसाका के अगेंस्ट था। योकोहामा की बात करें तो ये अपने पिछले 5 में से 2 हारे हैं, 2 ड्रॉ करी है और आखिरी गेम जो ये योकोहामा एफ मरीनोस के अगेंस्ट जीते थे वो इनकी ओनली विक्ट्री थी पिछले 5 गेम में। अगर आप देखोगे दोस्तों, पिछले 5 में से ये केवल 4 गोल ही स्कोर कर पाए हैं जिसमें से 3 गोल इनके आखिरी गेम में आए थे। ऐसे 2 इंस्टेंस, इनफैक्ट 3 इंस्टेंसेस हुए थे पिछले 5 गेम में जहां इन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया था। इस गेम में वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विद कॉन्साडोल सापोरो एज फेवरेट्स और हमारी टीम को भी हम वैसे बनाएंगे। की स्टार्ट की बात करें तो पिछले 5 होम गेम्स में जे लीग में अगर आप देखोगे तो कॉन्साडोल 3 जीती है, 1 ड्रॉ करी है, 1 हारी है, मतलब इनका होम फॉर्म काफी बढ़िया चल रहा है, जबकि योकोहामा का अवे फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक है। लास्ट 6 अवे मैचेस में से ये 5 में स्कोर भी नहीं कर पाए हैं। इन फैक्ट दे हैव फेल्ड टू विन देयर लास्ट 7 अवे मैचेस इन द लीग। क्लियर है योकोहामा का अवे फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक है, कॉन्साडोल का होम फॉर्म बेटर है। इन फैक्ट अगर आप देखोगे तो योकोहामा की लास्ट 4 जो अवे गेम्स हुई हैं सब गेम में 3 गोल या उससे अधिक स्कोर हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन इस गेम से 2-1 या 2-0 इन फेवर ऑफ कॉन्साडोल होगी। दोस्तों ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस गेम की और ऐसी कई सारी क्रिकेट फुटबॉल की गेम्स होती हैं जिसका हम वीडियो प्रीव्यू नहीं करते हैं बट हमारी टेलीग्राम चैनल पे उसको कवर कर लेते हैं। बात करते हैं एक्सपेक्टेड 11 की, तो कॉन्साडोल सापोरो और योकोहामा वैसे कोई सरप्राइजेस होने नहीं चाहिए वर्सेस द लास्ट कॉम्पिटेटिव गेम दैट दिस साइड प्लेड। की प्लेयर्स की बात करें तो सापोरो के लिए लोपेस इनके लीडिंग स्कोरर हैं, 8 गोल्स 3 असिस्ट हैं इनके लास्ट सीजन में। बथ्रॉइड भी काफी ब्रिलियंट थे, इंग्लिश स्ट्राइकर हैं, 6 गोल्स 4 असिस्ट हैं इनके। अरानो हैड 5 गोल्स 2 असिस्ट। इसके अलावा आप देखोगे तो कोमाई एंड कनेको ये दोनों ही काफी तगड़े खेले थे, 4 गोल दोनों के थे बट कोमाई हैड 4 असिस्ट और कनेको के 1 असिस्ट था। लुकस फर्नांडिस माइट नॉट बी अवेलेबल इन दिस गेम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टनाका हैड 2 गोल्स, सोंग्क्रासिन करके इनके डिफेंडर थे अगेन नॉट अवेलेबल राइट नाउ, 1 गोल 5 असिस्ट वाले थे और मोटा मोटा यहाँ से ये की प्लेयर्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए। योकोहामा की बात करें तो माचुओ इनका लीडिंग स्कोरर था, 7 गोल्स 2 असिस्ट है इसके। माचुरा के 3 गोल 4 असिस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो साइटो हैड 3 गोल्स 3 असिस्ट। सेको है, कोबियाशी हैज गॉट 2 गोल्स, साइटो जो कि इनके मिडफील्डर है अगेन ही हैड गॉट 2 गोल्स। और ये मोटा मोटा यहाँ से भी की प्लेयर्स की आपको स्टैट्स और एनालिसिस मिल जाएंगी फॉर दिस पर्टिकुलर टीम फ्रॉम लास्ट सीजन। हमारे हिसाब से दोस्तों जो की प्लेयर्स जो आपको इस गेम में जरूर ध्यान में रखना चाहिए वो है लोपेज, बोथ्रॉइड, कोमाए, माचुओ और माचुरा। ये पांचों आपके डिसेंट कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन के दावेदार भी बन जाते हैं। देखते हैं अभी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम की, तो यहाँ पे हमने बाटना पे बथ्रॉइड और लोपेस इन तीनों को पिक किया है, जिसमें से बथ्रॉइड और लोपेस अच्छे खासे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन बन जाते हैं फॉर दिस गेम। बाटना भी दोस्तों इनके लिए न्यू प्लेयर है इस गेम में, तो ही विल पॉसिबली टेक टाइम टू सेटल डाउन एज इन दिस 11। मिडफील्ड में अगर आप देखोगे तो वी गॉट माचुरा, माचुओ, कोमाए और कनेको। इसमें से माचुरा, माचुओ, कोमाए ये तीनों अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। जो स्कोर लाइन हम चेज कर रहे हैं दोस्तों इस गेम की, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इस गेम से, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर प्रीव्यू एंड की स्टैट्स। यदि आपने कुछ मिस करा है तो आप वो प्लीज सेक्शन एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से इस गेम की एक्सपेक्टेशन हमारी रख रहे हैं। याद रहे आपके सामने जो हम ये सैंपल टीम रखते हैं ये आपको कॉपी नहीं करनी है बट खुद के रिसर्च को बैक करते हुए खुद की टीम बनानी है। हमारी ये स्टडी आपको अपनी पढ़ाई में कैसे यूज कर सको उस तरीके से इसको देखना है। याद रहे फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा।
डिफेंस में अगर आप देखोगे तो विकॉट रॉकुतेन, तशीरा, तनाका और फुकुमोरी, ये मोटा मोटा दोस्तों हमारी टीम बन जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर साइड। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये सैम्पल टीम है, फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10 से 15 मिनट्स पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर सर्च कर सकते हो, मैंने स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।